अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जुहेर और आप देख रहे हैं केडीपी एंड टेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एडिट बुक विद कैलिब्री। कैलिब्री जी की सॉफ्टवेयर है, उसके साथ हमें बुक का एडिट कर सकते हैं। उसे बुक को एडिट करना बहुत इजी है, उसको बनाना बहुत आसान है और उससे भी हम बना सकते हैं। कुछ उसके मुझे कमेंट्स आए थे सर, उसमें ज़रा हमें एमएस वर्ड में थोड़ा सा इशूज आ रहे हैं, तो हमें उस तरीके से बता दें तो उससे कैसे हमने बुक एडिट करनी है। तो आज हम कैलिब्री इसके कैलिब्री के थ्रू हम एडिट करेंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है न्यू आने वालों को से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे हमारी। और दूसरा ये कि वीडियो कंप्लीट देखा करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सब कुछ बनाता हूँ और ऐसी जो चीज़ें हैं ना, जो मेरे लेक्चर देख लें, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे ऐसे लेक्चर। और टाइम नहीं मेरे पास होता, देखें सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं 1 मिनट भी नहीं सोया, लेकिन मेरे ये था कि वीडियो नहीं बनी, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए मैं ये बना दूँ। तो ये मैं आप लोगों के बना रहा हूँ, काइंडली वीडियो को कम्प्लीट देखा करें। 10 मिनट की वीडियो है, अब 10 मिनट की वीडियो को तो लाजमी आप चलें देखा करें उसको, एक एक मिनट उसको आप करें। उसको भी मैं वो देख रहा हूँ, उसके भी एवरेज रिव्यू जो आ रहा होता है वो 2 मिनट का आ रहा होता है। तो काइंडली बस यही होता है कि आप वीडियो को कम्प्लीट देखा करें, चीज़ को कम्प्लीट समझा करें और आपको इससे बेनिफिट होगा और इससे आप मेरा जो मेथड है उससे 100% आप अर्निंग कर सकेंगे। आज आपने डॉलर का रेट देखा है ना, 255 हो गया है। और कुछ करें अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, ठीक है। तो जो आपके नज़दीक जो हैं इस तरह के ज़रूरतमंद हैं उनको मेरे चैनल शेयर भी करें। किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है ना, मुझे केडीपी जोन मेरा पेज है वहाँ पे भी मैं फ़ौरन ही से ही मैं जाकर उनको रिप्लाई करता हूँ। जैसे किसी का टेक्स्ट आता है या किसी का कमेंट भी आता है तो मैं उसको रिप्लाई देता हूँ। तो चलते हैं वीडियो के जाने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीडबुक। यहाँ से जो मैंने मेथड बताया ना, आपकी बुक नहीं ब्लॉक हो सकती, ठीक है, जो मेथड मैंने बताया है सही है। अगर आपको बुक अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है या कोई भी किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो रहा, तो आप मुझे इजीली मुझे कर दिया करें कि सर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, इस पर वीडियो बना दें, इस पर बना दें, तो वो मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, ठीक है। अगला कोर्स मैं देख रहा था कि आपको लोगों को वह कैसे शुरू करूँ और कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले मैं करवा दूँ। ये देखें चलिए, ये किस तरह की बुक है। अब ये बुक की जो है ना, ये लोग पढ़ते हैं इसकी, अगर आप अच्छे कीवर्ड बना के इस बुक को लगा दें ना, तो ये बुक भी आपकी ज़रूर सेल होगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, बस ना देखना होता है थोड़ी सी साइट की को कि अच्छा ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है। अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली ये ईपब में थी, बुक ईपब में आ गई है। अब मैं यहाँ से इसको इम्पोर्ट करूँगा, यहाँ से इम्पोर्ट हो जाएगी। इम्पोर्ट होने के बाद यहाँ पे मुझे ये शो हो जाएगी, देखिए तो ये बुक मेरे पास इधर ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद मैं इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो बताऊंगा कैसे रिमूव करना है, क्योंकि इसमें HTML लैंग्वेज होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने आ जाना है एडिट मेटाडाटा पे, आ जाना है यहाँ पे, आ जाना कवर रिमूव कर देना, कवर के इधर ऑप्शन है उसको रिमूव कर दें आप, ठीक है। ये रिमूव कर दें, लिंक्स रिमूव कर दें, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये रिमूव कर दें, ठीक है। ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी क्योंकि कवर को भी आपने लाजमी रिमूव करना होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कवर होता है वो रिमूव खुद ही हो जाता है, तो आपने रिमूव कर देना है कवर को। जिस साइड से भी लें आप बुक, तो आपने उसको कर देना, अब यहाँ से इसको ओके कर दें, ये ओके हो गया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, या आपने अपने कीबोर्ड का बटन जो है टी वो दबा देना है, या एडिट अ बुक पे सिलेक्ट कर देना, तो ये बुक एडिट हो जाएगी और ये आपको HTML फॉर्म में आपको शो होगी। तो उसके अंदर वो फिर हमने उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे मैं बताऊँ उन चीज़ों को, बारीकियों को देख लीजिएगा और फिर वो आप उसको सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से ज़रा
इजी होता है बुक को बनाना, हम इजीली बना सकते हैं। वैसे तो वर्ड में मैं उसको प्रेफर करूंगा कि आप उसको बनाएं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं कि उनको वहां से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, इसलिए कह रहे हैं दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए मैंने ये बना दिया। ये जरा कंप्लीट मेरे पास आ जाए तो ये मैं इसका देखूंगा, टाइटल देखूंगा, अबाउट में जाऊंगा, जो भी चीजें होंगी। सबसे पहले इसका जो कवर में देखें, कवर पड़ा है कि नहीं, ये ठीक है, कवर ये है, ये मैंने उड़ा देना। ठीक है, ये मैंने कवर इसका उतार दिया। अब आपने ये देखना है, ये अबाउट वैसे ही रहने देना है आपने, ठीक है। ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग से आगे, ठीक है, ये वाला आपने डाटा इसका डिलीट कर देना है, ठीक है। ये यहाँ तक ये जितना इसका डाटा होगा ना, ये देखें सारे उसमें अंदर लिंक्स डाले हुए हैं, तो ये आपने उसका डिलीट कर देना है। ये डिलीट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ना थोड़ी सी HTML लैंग्वेज है, इसको जरा समझने की जरूरत है। आपने इनको नहीं छेड़ना, स्ट्रॉन्ग और ये चीज नहीं आपने छोड़ना। अच्छा, आपने यहाँ से पैराग्राफ से शुरू होना है, पी से, और देख लेना है कि ये बुक कहाँ तक है। ये देखें, ये यहाँ तक है और ये भी यहाँ तक है, तो मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऑथर के बारे में मैंने लिखना है, मैं डाटा कहाँ से लूंगा तो मैं इसका बता देता हूँ आपको। आपने ये इसका नेम आ गया, यानी एस्टन, और यहाँ पे जाके आपने इसको कंट्रोल भी करना है, जहाँ से आपने देख लेना कि जो साइट्स आपके पास हों, जहाँ पे आपको अच्छा डाटा मिल रहा हो, तो उनके पास आपने चले जाना है, वहाँ से आपने कॉपी करना है और आपने डाटा लगा देना है, ठीक है। ये देखिए इस वेबसाइट पे चले गए जहाँ से आपको डाटा इजीली मिल गया, तो आपने वहाँ से ले लेना है। जरा काम थोड़ा सा है, मेहनत वाला है, इसमें जरा बारीकी वाला है। बारीकी वाला ये है कि इसमें टैग्स होते हैं ज्यादा, उनको देखना होता है। अगर यहाँ पे आपको मतलब एंड पे हमने ये कैसे खत्म करना है इन चीजों को, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से ये देखें, ये मैं पैरा ले लेता हूँ, यहाँ से ये कंप्लीट उठा लेता हूँ, इसकी कंप्लीट चीज उठा लेता हूँ, ये देखें का पूरा लाइफ सब कुछ इसका उठा के आप लगा सकते हैं। यानी इनका ना मैं जस्ट एक पैसेज कॉपी करके आपको ना बता रहा हूँ कि आपने कैसे आपने बना ओके, इसकी इसका आपने डाटा कैसे लिखना है। अब ठीक है, इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि जब आप कॉपी कर रहे हो ये कवर वगैरह ना आपसे कॉपी हो जाए, ठीक है, ये अपनी चीज का ख्याल रखना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, वी करता हूँ। अब री करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि मेरा, हाँ ये डिव, मैं इसको पैराग्राफ को खत्म करना है मैंने, तो ये लाइन और इस तरह, इसने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया यहाँ पे मेरा पैरा खत्म हो रहा है, ठीक है। अगला पैरा आप नेक्स्ट पैरा इसे शुरू कर सकते हैं, ये वो आपने ऐसे बना है और ये आ जाएगा, ये वाला एरो आ जाएगा, एंटर कर देना है, अगला पैर आपका शुरू हो जाएगा। आप इस तरह इसको एक पैरा बना जब आप करेंगे ना, तो वो और चीज अच्छी लग जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट पे ये आ गया, ये बुक का टाइटल होगा, ये हमने चीजें डिलीट करनी है, ठीक है। आपने ये डिलीट कर दिया इसका, क्लास इमेज
ये देखें अब लोगो चला गया, ठीक है। अब ये वाली चीजें भी डिलीट कर दे, www.gutenberg.org। अच्छा ये वाली भी चीज हमने डिलीट करनी है, तो पब्लिश, तो ये वाला चीज जो है ना ये भी मैं यहाँ से तो डिलीट कर दूंगा। ये देखिए ये डिलीट हो गया। अब इसने इसको हेडिंग वन दिया, इसको जरा मैं नीचे करके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है ऐसे भी ओपन कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ऐसे भी ठीक है। पर पेज के अंदर ऐसे आ जाएगा। अब अगला पेज मेरा जो होगा वो इस तरह का आपको शो होगा। मैं इसको नीचे लाना चाह रहा था, अगर आप इसको नीचे ले हैं थोड़ा सा HTML को देखें, क्योंकि इसको यूज की काफी मुझे हो गया, दे होगी एक दो साल पहले मैं इसको यूज करता था, पब्लिक डोमेन पे वर्क किया करता था, तो उस वक्त मैं इसको यूज करता। अब देखें ये पार्ट वन आ गया, ठीक है। इस तरह ये सबसे पहले अबाउट द ऑथर आ जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट वन आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारी बुक शुरू होगी। इनके अंदर आपने देख लेना है, पिक्स वगैरह ना हो, इस तरह की कोई चीज़, इस तरह की फ्रूट चीज़ ना हो। आप देखिए देखिए लास्ट में आपने इस वाले को डिलीट कर देना है। ये देखिए इसका लोगो आ जाता है। अब ये देखिए इसको डिलीट कर दें आप, ठीक है। ये देखिए 19 चैप्टर आ गया। इस चैप्टर को देख लेना है आपने, इसके अंदर देख लेना कोई इमेज वगैरह ना हो, अगर कोई हो तो वो आपने डिलीट कर देनी है। इसके अंदर खुद इमेज एड्स वगैरह करते होते हैं, तो अगर रहने भी दो, अगर जो सामने तो जस्ट इसका हार्ड कवर पेपर बैग लगाना है। अगर आप रहने भी देंगे तो ये वाली इमेज आपने लाजमी डिलीट करनी है, ये जो, ठीक है। इनको तो नहीं रखना आपने, इसीलिए मैं ना रिकमेंड करता होता हूँ कि आप एमएस वर्ड को यूज करें, ठीक है। यहाँ पर बस ठीक है, ओके है, और इसको भी देख लें। ये देखें इसमें अंदर ये और जो चीजें हैं ना, ये देखें अंदर ये जो लिंक्स वगैरह हैं तो वो अपने डिलीट कर देने। इस तरह के लिंक्स वगैरह हो ना, जो आपको पता हो कि भाई ये लिंक्स वगैरह हैं या ये इस तरह की ये कोई चीज़ है, तो वो आपने डिलीट कर देनी है, बाकी आपने इसको रख लेना है। तो ये आपकी इस तरह एक बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये देखिए आपने इसको चेक कर लेना है इसके अंदर कोई और चीज़ ना हो। कोशिश करें कि आप एमएस वर्ड को करें, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप कैलिब्री को आप यूज़ कर सकते हैं, ईजिली आप इसे बुक बना सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर लूँगा तो ये मेरी बुक सेव हो जाएगी, सेव हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा, ये कैलिब्री में पड़ी हुई है। अब ठीक है ये बुक मेरी सेव हो गई है, बन गई है। अब मैं इसको सेव टू एज अ डेस्क करूँगा, जहाँ पे मैंने इसको रखना होगा मैं इसको रख लूँगा, ठीक है। ये मेरी बुक जो होगी वो वहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, फोल्डर नेम पब्लिक डोमेन, और ये मेरी बुक सेव हो गई है। तो इस तरह आपने ये बुक अपने किसी भी फोल्डर में जाकर रख लेना है, तो ये आपकी बुक वहाँ पे जाके सेव हो जाएगी, जहाँ पे आपको इजी लगे। तो ये देखिए अब इसमें मेरी में कोई इशू नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं, 100% बुक ओके। आप भी बिल्कुल ऐसे ओके कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपने एमएस वर्ड को यूज़ करना है, आप उसको यूज करिएगा, वो ज्यादा बेटर है एज अ कैलिब्रेटर, क्योंकि वहाँ पे आप काफी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपको लैंग्वेज की समझ नहीं है, नहीं तो अगर आपको इस चीज में एक्सपर्ट हैं
अगर आप कैलिबर पब्लिक डोमेन के लिए, क्योंकि 90% जो पब्लिक डोमेन का काम करते हैं ना वो कैलिबर को ही यूज करते हैं, तो उनको ये समझने में मुश्किल नहीं लगेगी। हाँ, जो वो स्टूडेंट हैं जो मतलब फर्स्ट टाइम है और न्यू है, तो वो कोशिश करें कि वो वर्ड को यूज करें, एमएस वर्ड को यूज करें। अगर वो उसको नहीं, वो उसको उनको फिर भी समझ आ रही, तो फिर वो इसको यूज कर सकते हैं। तो चलें, ठीक है, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, और हम मिल लेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ हैं वो इंशाल्लाह आ रही हैं, और वो बहुत अच्छी हैं, बहुत आपको उन चीज़ों से फ़ायदा होगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।